टाइप करते हैं, राइट। तो आज की डेट में जो आज हम पोल्यूशन वन में बात करेंगे, और इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पोल्यूशन, ठीक है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, ठीक है, एंड फोकसिंग अपॉन पर्टिकुलरली ऑन एयर पोल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन जो कि इनफैक्ट इट इज़ यू नो वन ऑफ द मेजर काजेज ऑफ डेथ इन इंडिया, ठीक है, प्री मेच्योर बर्थ्स, राइट, बहुत यू नो सिग्निफिकेंट, डेली एवरी टाइम, राइट, attracts the media attention, especially during a particular part of the year when it becomes a gas chamber, ठीक है, जब वो कोर्ट ने भी कहा कि एक गैस चैम्बर बन जाता है, या दिल्ली ऑलरेडी गैस चैम्बर है, राइट, वहाँ न्यू लाइफ का सर्वाइव करना तो बड़ी दूर की बात है, जो ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं उनका सर्वाइव भी मुश्किल हो गया, ठीक है, राइट, और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑफकोर्स वी एज ह्यूमंस, ठीक है, कैसे कैसे, राइट, यू नो हमने अपना लाइफ स्टाइल चेंज किया और कितना हमने पोल्यूशन ऐड कर दिया, ठीक है, इस एनवायरनमेंट में, और एयर पोल्यूशन सबसे बड़ा थ्रेट है, वाटर पोल्यूशन भी है, नॉइज, बहुत से किस्म के पोल्यूशन हैं, बट एयर पोल्यूशन, क्योंकि विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव, कहते हैं हम रोटी के बिना रह सकते हैं मगर हवा के बिना नहीं, बिकॉज राइट नॉट ओनली यू नो ह्यूमन बींग्स बट एवरी ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इट इज़ फ्रॉम दिस एयर एवरी ऑर्गेनिज्म ब्रीद, ठीक है, इट टेक्स इन एयर, ठीक है, या रेस्पायर करता है, और अगर ये एयर पोल्यूटेड होगी, ठीक है, तो कैसे पॉसिबल होगा सर्वाइव, ठीक है, राइट, अगर यू नो ह्यूमन बींग्स को कहा जाए कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपके सर्वाइवल के लिए क्या है, तो वो एयर ही, राइट, तो एयर पोल्यूशन, कितनी एयर गंदी हो चुकी है हमारी एनवायरनमेंट की, राइट, कितने पोल्यूटेंट्स हमने उसमें रिलीज किए हैं, राइट, सच दैट एयर क्वालिटी हैज़ कंसिडरेबली डिग्रेडेड, पर्टिकुलरली इन बिग सिटीज, ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्प्रिट फॉर द सेम इज़ व्हीकलर पोल्यूशन, व्हीकल का पोल्यूशन जो है, ठीक है, व्हीकल्स क्या क्या निकालते हैं, किसी को पता है व्हीकल से क्या निकलता है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट, यही क्वेश्चन आपको पहले याद रहा है, व्हीकल से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलते, कार्बन मोनोऑक्साइड आप कह सकते हैं, बट कार्बन मोनोऑक्साइड का भी इतना यू नो सोर्स नहीं है व्हीकल्स, जितना कि दो पॉइजनस गैस, पार्टिकुलेट मैटर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दो चीज़ें व्हीकल्स बहुत ज़्यादा निकालते हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, पर कार्बन मोनोऑक्साइड के और भी बड़े सोर्सेज हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के आप ये कह सकते हो कि जो कोयला है, ठीक है, कोल से, कोल की बर्निंग से भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, सिगरेट स्मोक से होती है, ठीक है, राइट, और भी बड़े सोर्सेज हैं, बट सबसे बड़ा सोर्स जो एयर पोल्यूशन का है वो व्हीकल की एमिशन से या एग्जॉस्ट से जो प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज़, राइट, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, दीज टू सब्सटेंसेज यू मस्ट बी नोइंग अबाउट, कि ये हमने फैक्ट्रीज और व्हीकुलर पोल्यूशन से इतने ज़्यादा रिलीज किए हैं अपने एटमोसफेयर में, कि टुडे दे हैव गिवन राइज टू ए वेरी डिजास्टर्स फिनोमिनन इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन, नाम सुना है, जिससे हमारा ताजमहल डिप्लीट हो रहा है, ठीक है, एंड मैनी अदर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, एसिड रेन हो रही है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, इन्वायरमेंटल या एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा खतरा जो आज की डेट में वो एसिड रेन है, एसिड रेन कैसे बनती है, एसिड रेन उसको क्यों कहा जाता है, वी शैल बी एग्जामिंग हियर, राइट, हैविंग सेड दैट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन व्हाट इज पोल्यूशन, पोल्यूशन किसको कहते हैं, तो मैं आपको सिंपली इतना बता दूं कि पोल्यूशन कोई बड़ी चीज नहीं है, पोल्यूशन एक लैटिन वर्ड है, उससे